हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? अच्छे हैं? तो एलपी 39 सेट वाले डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। और आज सेट नंबर 16 के सभी रीजनिंग के बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ मैं गौरव गिराज आप लोग के सामने में लाइव। तो चलिए जल्दी से हम लोग रीजनिंग के क्वेश्चन को इम्पोर्ट कर लेते हैं और फिर उसके बाद एक एक क्वेश्चन को देखेंगे। तो सेट नंबर 16, 15 सेट का डिस्कशन कंप्लीटली हो चुका है। जो बच्चे नए होंगे, जो बच्चे पूरा क्लास नहीं देख पाए हैं, तो बाकी सेट भी आप देख सकते हैं, आपको वो उस पर मिल जाएगा। ध्यान, तो चलते हैं और पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। तो पहला क्वेश्चन रीजनिंग का ये रहा। अब देखो कह रहा इसका संबंध इससे, तो इसका संबंध किससे? तो बी से आई में अगर आप जाते हैं तो 7 जोड़ा गया है, क्योंकि बी का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 2, और आई का प्लेस वैल्यू 9, मतलब 7 बढ़ाया है। एफ से एम में आते हैं 6 और 13, फिर 7 बढ़ाया है। के से आर जाते हैं 11 और 18, मतलब +7। आपको समझ में आ गया कि 7 7 जोड़ करके कोड किया जा रहा है, तो आपको भी यहां क्या करना है? +7 +7 +7। तो 4 + 7 = 11, मतलब के 7 7 = 14, मतलब कि एन, और 16 7 = 23, मतलब कि डब्लू। तो के एन डब्लू अगर किसी ऑप्शन में है तो आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल क्या कहता है? कह रहा अगली आकृति क्या होगी यदि इसका संबंध इससे? तो देखियो यहां पर क्या है? प्लस, तो यहां मल्टीप्लाई, तो यहां अगर मल्टीप्लाई है तो यहां पर पक्का क्या होना है? प्लस होना है, क्योंकि यहां प्लस तो यहां मल्टीप्लाई, तो यहां मल्टीप्लाई तो यहां प्लस। अब प्लस 1 में नहीं है और 4 में नहीं है, इसी 2 में से आंसर होगा। अब देखिए इधर क्या है? कॉर्नर से, तो यहां क्या है? भुजा के बीच से, तो यहां भुजा के बीच से है तो यहां क्या हो जाएगा? कॉर्नर हो जाएगा। तो बताइए जरा, 2 नंबर छट गया, फिगर नंबर 3, लेकिन ऑप्शन से क्या? सी जाएगा, ऑप्शन से सी जाएगा, डी नहीं होगा। कुमार सौरभ, पिंटू आपका सही है, क्लियर है। चलिए फिर अगला कह रहा नीचे दी गई चित्र में कितने त्रिभुज है? कोई काउंट करके बताओ जरा कि कितने त्रिभुज है, क्या आप बता सकते हैं इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? बताइए जल्दी से, आपके पास ज्यादा नहीं, क्योंकि ये 15 सेकंड का क्वेश्चन है, 15 सेकंड है आपके पास, बताओ कितने। चलो सबसे पहला आंसर आया कुमार सौरभ का कि सर आंसर सी यानी 17, पिंटू का भी आंसर आ रहा है सर 17 होगा, और कोई बता सकता है? चलो पिंटू ने चेंज कर दिया अपना आंसर, कह रहे हैं नहीं सर 18 होगा, मतलब एक और मिल गया बाद में, यही ना। कुमार सौरभ भी आंसर चेंज कर रहे हैं कि नहीं सर डी 19 होगा, वाह, मतलब सबसे हाईएस्ट देख करके आंसर कर रहे हैं क्या? चलो सबसे पहले इसके अंदर में ये जो ब्लू लाइन खींचा हुआ है, इसके अंदर में त्रिभुजों की संख्या पहले आप निकाल लो, तो ये कितने भाग में बटा हुआ है जरा बताएंगे? 1 2 3 4 5 और 6, मतलब इसमें त्रिभुजों की संख्या 6 का सीधा डबल 12 त्रिभुज। पढ़े होंगे जब किसी चतुर्भुज के अंदर में त्रिभुजों का निर्माण हो रहा हो तो गिनिए कितने भाग में है वो? 6 भाग में, तो 6 का डबल 12। अगर ये 8 भाग में होता तो 8 का डबल 16, अगर ये 4 भाग में होता तो 4 का डबल 8, तो 12 त्रिभुज तो ऐसे ही बन गया। उसके बाद जरा देखेंगे तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी? तो 3, तो 6 × 12 = 3 = 15, तो ऐसे ही हो गया, कितने हो गए? 6 × 12 = 3 = 15। क्या इसके अलावा भी त्रिभुज बन रहा है कि नहीं? जी हां बन रहा है, जो गलती से हम लोग छोड़ रहे हैं, ये वाला और ये वाला मिल करके एक त्रिभुज बनाएगा कि नहीं? और एक त्रिभुज ये बनाएगा, तो 2 त्रिभुज और मात्र 17 त्रिभुज होगा, 19 नहीं होगा, 18 नहीं होगा। पहले आपका आंसर सही था, बाद में आप गलती कर बैठे, तो त्रिभुजों की संख्या मात्र 17 होगी। समझ में आई बात? चलो फिर अगला सवाल, स्कूल में हमेशा होता है, क्या होता है? अध्यापक की भवन कि पुस्तकालय की प्रधानाध्यापक? तो सबसे बेस्ट ऑप्शन चुनना है, तो स्कूल में क्या हो जाएगा? अध्यापक होगा। स्कूल है तो अध्यापक होंगे ही होंगे, छात्र होंगे ही होंगे। भवन नहीं है फिर भी स्कूल चलाया जा सकता है, जैसे पुराने जमाने में गुरुकुल चलता था पेड़ के नीचे,
चल सकता है ना, लेकिन स्कूल में कौन सी ऐसी चीज है जिसके बिना संभव नहीं है स्कूल, तो छात्र या फिर अध्यापक। तो छात्र तो ऑप्शन में है नहीं, इसलिए इस चारों में से बेस्ट ऑप्शन जो जाएगा वो ए जाएगा। क्लियर है। अगला सवाल कहता है, निम्नलिखित गतिविधियों में से किसमें काम नहीं किया गया है। अश्विन बस में चढ़ रहा है, अश्विन प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, अश्विन दौड़ रहा है, अश्विन चल रहा है, जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा। जल्दी से बताइए क्या कह रहा है। निम्नलिखित जो गतिविधि दिया गया है उसमें से किसमें काम नहीं किया गया है, किसमें काम नहीं किया गया। अश्विन बस में चढ़ रहा है मतलब वर्किंग है, वर्किंग है, चढ़ रहा है मतलब क्या, वर्क कर रहा है वो। अश्विन प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, नो वर्किंग, खड़ा है वो तो कोई काम नहीं कर रहा है, रील्स देख रहा होगा खड़ा होकर के। अश्विन दौड़ रहा है इज वर्किंग, अश्विन चल रहा है वर्किंग। तो सवाल पूछ रहा है किसमें वर्किंग नहीं हो रहा है, बी नंबर ऑप्शन में वर्किंग नहीं हो रहा है क्योंकि वो चुपचाप से खड़ा है। समझ में आई बात। चलो अगला सवाल, ये तो बड़ा आसान है, क्या करेंगे तो यहां पर ये हो जाएगा। अब एक दो तीन तो चार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो चार वाले ऑप्शन किसमें है तो डी नंबर में। आसान था। अगला कह रहे कि बरसात के मौसम में कई रेल दुर्घटनाएं पहाड़ी इलाकों में होती है, नहीं देखते हैं मैं अति लैंडस्लाइडिंग जो होता है, तो कह रहा बरसात के मौसम में कई रेल दुर्घटनाएं कहां पहाड़ी इलाकों में होती है जो भूस्खलन के कारण होता है, जो भूस्खलन के कारण होता है। इस पर यहां सबसे पहले तो निष्कर्ष नहीं, यहां कार्यवाही होना चाहिए। बेवकूफ सब क्वेश्चन सेट करने वाला कम से कम इतना तो ध्यान दे कार्यवाही दिया जाए, ठीक है। इस पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, तो पहला कार्रवाई कह रहा है कि बरसात के मौसम में रेलगाड़ी को नहीं चलाना चाहिए, गलत। कभी भी जो आपकी कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई कोई ऐसी नहीं होनी चाहिए कि क्या करेंगे प्रॉब्लम से भागने का काम करेंगे। अगर आप प्रॉब्लम से भागेंगे तो कोई दूसरा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। अगर आप रेलगाड़ी को चलाना ही बंद कर देंगे तो चलो दुर्घटनाएं से तो आप बच गए, लेकिन बताइए इतने इतने आदमी लोग जो वर्किंग है, जो भी आप अप डाउन करते हैं, वो कैसे जाएंगे, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचेंगे कैसे। तो क्या ये गलत नहीं है, तो ये गलत कार्रवाई है। दूसरा कह रहा है भूस्खलन से बचने के लिए सरकार द्वारा अधिक सावधानी बरतनी जानी चाहिए। हाँ ये सही है कि भूस्खलन से कैसे निपटा जाए, जैसे कि आप जैसे लैंडस्लाइडिंग जहां जहां होता है पहाड़ी इलाकों में क्या कर दिया जाता है, देखते होंगे कि एक नेट, बड़ा सा तार का नेट दे दिया जाता है कि भूस्खलन हुआ भी तो उसमें वो फंस जाए, होता है कि नहीं, तो वही सावधानी बरतनी चाहिए। तो आंसर क्या जाएगा, केवल दो, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, निम्न कथन का विश्लेषण करें और सबसे उपयुक्त विकल्प चुने। सोना चांदी से ज्यादा महंगा होता है, सोना चांदी से ज्यादा महंगा होता है क्या, हमेशा कि कभी कभी कि अक्सर कि कभी नहीं, तो हमेशा। सोना चांदी से हमेशा ही क्या होता है, ज्यादा कीमत का होता है। अगला कह रहा कुछ मेज जो है ना वो पुस्तक है, तो एम से मेज हो गया, और कुछ मेज क्या हो गए, पुस्तक हो गए, और सभी पुस्तकें कुर्सियां है, और सभी पुस्तकें क्या हो गई, कुर्सियां। पहला निष्कर्ष कह रहा है कुछ पुस्तक मेज है, तो पुस्तक ये रहा और मेज ये रहा, तो कुछ पुस्तक तो मेज है ना जी, तो पहला सही। दूसरा कुछ कुर्सियां पुस्तक है, तो कुर्सी ये हो गया और पुस्तक ये हो गया, जैसे ही दो डायग्राम साथ में है कुछ को देखते ही सही करेंगे। तो एक और दो दोनों अनुसरण करते हैं तो ऑप्शन से क्या चला जाएगा, तो बी चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला सवाल, आपसे एक प्रश्न पूछा गया है, उस पर दो तर्क है, आपको चेक करना है किसका तर्क मजबूत और किसका तर्क कमजोर। तो कह रहा है क्या जीवन में सबसे अच्छी चीजें मुफ्त में मिलती है, जीवन में क्या सबसे अच्छी चीजें मुफ्त में मिलती है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि बेशकीमती के साथ साथ हमें मुफ्त में मिलते हैं, जैसे कि पानी, हवा, प्यार, मोहब्बत, होता है कि नहीं होता है। तो पहला कह रहा है जीवन हमें बहुत पलों को मुफ्त में देता है और फिर भी हम इनमें से अधिकांश को व्यर्थ में जाने देते हैं, क्या पहले व्यक्ति का तर्क मजबूत है कि कमजोर है, जल्दी से बताइए। और दूसरा कह रहा है मुस्कान, दोस्त, परिवार, अच्छी बातें, अच्छी नींद और अच्छी यादें, सभी मुफ्त है, कौन सही कौन गलत, बताइए। पहला तर्क भी मजबूत है,
जीवन हमें बहुत पलों को मुफ्त में देता है और फिर भी हम इनमें अधिकांश चीजों को व्यर्थ में जाने देते हैं, और दूसरा भी सही होगा तो एक और दो दोनों प्रभावशाली हैं, ऑप्शन से बी हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, आज क्लास होगा विकास कुमार 99 वाला ना, आज तो नया चैप्टर यानी कि ब्लड रिलेशन स्टार्ट करेंगे। चलिए चैप्टर का भी नाम हम पहले ही बता दिया, आज ब्लड रिलेशन स्टार्ट करेंगे। आज थ्योरी होगी, कल से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा और ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आप लोगों के ग्रुप में डलवा भी देंगे हम, डला गया है ब्लड रिलेशन। चलो, कह रहा उस चित्र का चयन जो नीचे दी गई समूह से संबंधित नहीं है, ये पैरेलल डायग्राम है, पैरेलल पैरेलल तो ये बिल्कुल अलग है, फिगर नंबर बी ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? थोड़ा सा नेटवर्क इशू है ना, लग रहा है। चलो, तर्क कह रहा है कि सभी शिक्षकों को सुबह 9 बजे तक कॉलेज में पहुंचने का निर्देश दिया जाता है, तो इस पर क्या मान्यताएं होंगी? कुछ शिक्षक समय पर नहीं आते हैं, तो बताइए पहला सही होगा कि गलत होगा, जल्दी से बताइए बताइए। बिल्कुल, अगर हम कोई चीज निर्देश देते हैं, कोई नियम लाते हैं, इसका मतलब है कि कुछ लोग नहीं करते हैं तभी तो नियम लाते हैं, तो इस पर मान्यता पहला सही हो जाएगा। दूसरा, शिक्षक सूचना पत्र में दिए गए निर्देश का पालन करेंगे, तो यह भी सही। तो एक और दो दोनों सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगर कोई सूचना देता है तो क्या सोच करके, अगर कोई लिखता है घर के बाहर में नो पार्किंग, मतलब कुछ लोग वहां पार्क करता था तभी तो इसको नो पार्किंग का बोर्ड लगाना पड़ा। अगर किसी शिक्षक को निर्देश दिया जाए कि सभी शिक्षकों को सुबह 9 बजे तक कॉलेज पहुंचने का निर्देश दिया जाता है, इसका कुछ लोग समय पर नहीं पहुंचता है, इसलिए बार बार क्या किया जाता है, निर्देश दिया जाता है, तो पहला मान्यता भी सही और दूसरा मान्यता भी सही। अगला, ऊपर दिए गए वेन आरेख के अनुसार उन छात्रों की कुल संख्या, उन छात्रों की कुल संख्या जो क्रिकेट और कबड्डी दोनों खेलते हैं लेकिन फुटबॉल नहीं खेलते। देखो, क्रिकेट खेलता है, कबड्डी खेलता है लेकिन फुटबॉल नहीं, तो इसके अंदर की कोई भी संख्या को आप नहीं ले सकते। अब बताइए दोनों में कॉमन कौन है, तो टी है, हो गया, बन गया तुरंत। गुड मॉर्निंग रोशन कुमार, क्लियर? अगला सवाल, मोनिका के पिता की आयु मोनिका के जन्म के समय 38 वर्ष थी जबकि उसकी मां की आयु उस समय 36 वर्ष थी, जब उसके 4 वर्ष छोटे। ये मैथ का सवाल हो गया, ठीक है, गलती से रीजनिंग में डाल दे रहा है पता नहीं कैसे। दिए गए समूह में से विषम को चुन सकते हैं आप। अब देखो, चार पत्तियां तो हर जगह दी गई है, चारों में से क्या अलग है, जल्दी से बताओ। ध्यान से देखिएगा, देखिएगा अगर इसमें बात करते हैं ये 90 डिग्री पर है कि नहीं है, ये 90 डिग्री पर है ना, ये भी 90 डिग्री पर है, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, ये भी 90 डिग्री पर है, ये तो सही है, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं, यहां से ये क्या हो गया, क्लॉकवाइज हो गया, ठीक है ना। ये देखिए, इस तीनों को देखिएगा तो ये तीनों वाला जो है पार्ट यहां से यहां आ गया क्लॉकवाइज, ठीक है। अब यहां से उसको यहां जाना चाहिए था ना, लेकिन ये क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज घूम गया, तो फिगर नंबर, सॉरी जस्ट वेट 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 वेट, इस तीनों पत्ते के पीछे यहां पर है, ये यहां है, ये यहां है, ठीक है, ओके ओके। या फिर 45 डिग्री वाले को अगर देखते हैं, क्लॉकवाइज रोटेशन है और ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, यही ना। कौन डिफरेंट है इस सब में, ओके मान लेते हैं ये यहाँ से उल्टा हो गया क्लॉकवाइज टर्न, या फिर इस पत्ती को अगर देखेंगे तो इसमें दो चीजें दिख रहा होगा, एक 45 डिग्री दिख रहा है, ये भी 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री है ना, तो ये क्लॉकवाइज घूम रहा है और ये 45 डिग्री है, इस चारों में से क्या होगा। अगर इस 45 डिग्री की बात करते हैं, यहाँ से 90 डिग्री पर मुड़ा, फिर ये 90 डिग्री पर, फिर ये 90, सी नंबर और ए नंबर, 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, सब एक ही है
है ना। अच्छा ये देखिए, ये जो 45 डिग्री है, एक बार और कोशिश करते हैं, ये जो 45 डिग्री जो बन रहा है, ये बीच वाला जो पार्ट है इससे ये इधर है, ये जो 45 डिग्री है ये बीच वाले से इधर है, ये जो 45 डिग्री है बीच वाले से इधर है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ये जो 45 डिग्री है ठीक है इस बीच वाले से इधर है, तो ए नंबर छटेगा। क्यों? क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये एंटी, एक लॉजिक तो पता चला, ये एंटी क्लॉकवाइज है लेकिन ये क्लॉकवाइज है। देखिए यहां से जो ये क्या है, क्लॉकवाइज, लेकिन ये एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, तो फिगर ए छटेगा लेकिन ऑप्शन से क्या हो जाएगा सी, अब लॉजिक पता चला, ठीक है। चलिए अगला, 3 + 5 = 8, 5 = 13, 5 = 18 और 5 = 23 हो जाएगा। ये तो बड़ा बच्चा वाला सवाल था, आंसर क्या हो जाएगा 23। अगला सवाल देखिएगा, इसको कंप्लीट करना है, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, 1 2 3 4 लाइन बताइएगा, 4 लाइन, सी कैंसिल, डी कैंसिल, बी कैंसिल, सीधा देखने में ही लग रहा है ए हो जाएगा, क्लियर। अगला सवाल, पूर्व की ओर मुख करते हुए एक्स 150 डिग्री, दक्षिणावर्त 105 डिग्री वामावर्त, देखो दक्षिणावर्त जब भी करे तो प्लस कर लीजिएगा और वामावर्त में माइनस, मतलब प्लस 150 माइनस 105 बराबर प्लस 45 डिग्री, तो क्या बच गया 45 डिग्री। अब देखिए पूर्व की ओर अगर मुख होगा किसी का, ध्यान से देखेंगे तो पूर्व की ओर मुख होगा, अब 45 डिग्री प्लस मतलब दक्षिणावर्त में, 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री का मतलब उसका फेस अब साउथ ईस्ट में है, मतलब दक्षिण पूर्व में है, ठीक है। एक्स अब किस दिशा में, उत्तर पूर्व दिशा में, कैलकुलेशन करके एक वैल्यू ले आना है, डिग्री वाइज टर्न है ये। अगला देखिएगा, सभी बढ़ई कर्मचारी हैं, मतलब जितने भी बढ़ई सारे के सारे कर्मचारी, सभी कर्मचारी मेहनती हैं, इस पर दो निष्कर्ष, पहला क्या कहता है, सभी मेहनती व्यक्ति कर्मचारी हैं, तो क्या सभी मेहनती व्यक्ति कर्मचारी हैं, तो नहीं, सभी बढ़ई मेहनती है ये होगा, क्योंकि फॉरवर्ड वे में सभी क्या माना जाता है सही, लेकिन वही चीजें अगर रिवर्स में हो तो गलत माना जाएगा, तो केवल निष्कर्ष दो मतलब आंसर से सी हो जाएगा, क्लियर है। अगला, इसका इमेज कैसा बनेगा, तो सर्कल तो सर्कल ही रहेगा, ये जो एरो बाईं तरफ है ये एरो दाईं तरफ होगा, किसमें नहीं दिया हुआ है, तो बी और ए में नहीं दिया हुआ। अब देखो ये जो लाइन इधर है ये लाइन आपका इधर हो जाएगा और यहां से आपका ऐसा हो जाएगा, तो ऐसा बताइए इसके कारण से सी कैंसिल, आंसर डी, डी का मतलब फिगर डी, ऑप्शन से सी। अगला, नीचे लिखी व्यवस्था में कितने ऐसे अक्षर हैं, तो क्या पूछ रहा है, ऐसे अक्षरों की संख्या बताएं जिनके ठीक पहले एक संख्या, जिनके ठीक पहले एक संख्या लेकिन ठीक बाद में एक अक्षर नहीं होना चाहिए, बाद में अक्षर नहीं होना चाहिए, मतलब संख्या अक्षर बाद में अक्षर नहीं, तो बताइए अक्षर कहां कहां पर है, तो संख्या अक्षर अब 3RI को ले सकते हैं, नहीं, फिर देखिए संख्या के बाद अक्षर नहीं है, संख्या अक्षर हां एक ले सकते हैं, 6T और 4 को ले सकते हैं, ये ले सकते हैं कि संख्या अक्षर बाद में ये नहीं, संख्या अक्षर 4O और 2 भी ले सकते हैं क्योंकि संख्या अक्षर बाद में अक्षर नहीं है, संख्या अक्षर है नहीं, बस कितने मिले, केवल 2 मिले, कितने मिले, केवल 2 मिले, क्लियर। अगला सवाल देखिए, 15 3 18, जब कोई सीरीज बढ़े घटे समझे अल्टरनेट होगा, तो 15 3 18, 18 + 3 कितना हो जाएगा 21, 21 + 3 कितना 24, सेम ईयर 20 + 3 23, 23 + 3 26, इसका मतलब है आंसर क्या जाएगा ए, डन। अगला, यदि बॉक्स रबर है, बॉक्स क्या है रबर है, रबर क्या है कलम है, कलम क्या है छड़ी है, और छड़ी क्या है पौधा है, छड़ी क्या है पौधा है, ठीक है, तो एक छात्र परीक्षा में किससे लिखेगा, तो छात्र किससे लिखता है, तो छात्र कलम से लिखता है, क्या लिखता है कलम से लिखता है, छात्र कलम से लिखता है, लेकिन कलम को कोड किया जा रहा है किससे, तो कलम को छड़ी से कोड किया जा रहा है, इसका मतलब छात्र परीक्षा में किससे लिखेगा, छड़ी से लिखेगा, आराम से बन गया। चले फिर आज के सेट का अंतिम सवाल, उस चित्र का चयन करें जो निम्न समूह में संबंधित नहीं है, छोटा लाइन जब भी है देखिएगा बीच में है,
नो 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 नो, इस पर नहीं छटेगा। तीन बड़ा लाइन तो दो छोटा लाइन, तीन बड़ा लाइन तो तीन छोटा लाइन, एक बड़ा लाइन तो एक छोटा लाइन, दो बड़ा लाइन तो दो छोटा लाइन। इसका मतलब ए नंबर छट जाएगा क्योंकि ऑड इवन कर दिया गया। क्या कर दिया गया? ऑड इवन। देन तो आपका आज का सेट कंप्लीट होता है। कल मिलते हैं सेट नंबर 17 के साथ, सेम टाइम में। रेगुलर रहिए और बने रहिए, निश्चित ही सफलता आपके साथ होगी। ओके, चलिए फिर मिलते हैं कल, बाय बाय। चलिए, स्वागत है बच्चे आप सबों का आज के टेस्ट में। और आज हम 16 नंबर सेट का हम लोग डिस्कशन करेंगे। और बच्चे, लगातार मैं आप लोगों से जुड़ा हुआ हूँ और मेरा बस दो तीन ही बात आपको कहना है कि एक तो साइंस का टेस्ट शनिवार को रुक्मिणी प्रकाशन और रविवार को आपको कंपटीशन व्यू लर्निंग एकेडमी पर जुड़ना ना भूलें आप लोग। बार बार बोल रहा हूँ मैं, पावरफुल टेस्ट है। और बच्चे, दूसरी बात क्या कि एएलपी का टेस्ट जो है, जो हम लोग डिस्कशन अभी करा रहे हैं, उसको एकदम निरंतर देखिए और आप बताइए कि क्या इसमें और हम लोग कर सकते हैं। बार बार हम बता रहे हैं कि देखिए, ये टेस्ट आपके लिए बहुत बहुत लाजवाब है। चलिए देखिए क्या कह रहा है। डैश में प्रचुर मात्रा में सफेद फाइबर, सफेद फाइबर मतलब क्या होता है? वाइट फाइबर पाए जाते हैं, वाइट फाइबर पाए जाते हैं। किसमें वाइट फाइबर पाया जाता है? तो बच्चे, दो तीन बातें यहाँ पर है, ठीक है। आपका जो सिरा है, सिरा, सिराओं में, टेंडन में, टेंडन में, टेंडनों में आपको प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? सफ़ेद फाइबर पाया जाता है। एकदम ध्यान में रखिएगा, टेंडन में प्रचुर मात्रा में, ठीक है, क्या पाया जाता है? तो आपको सफ़ेद फाइबर पाया जाता है। ध्यान दीजिए बच्चे, टेंडन, टेंडन का मतलब होता है, टेंडन का क्या मतलब होता है? टेंडन, टेंडन याद रखिएगा, मसल और बोन, मसल और बोन दोनों आपस में एक दूसरे से टेंडन द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। ध्यान में रखिए बेटा, किसके द्वारा जुड़े रहते हैं? टेंडन के द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं, यानी मसल और बोन आपस में टेंडन के द्वारा जुड़ते हैं। बार बार मैं बताता रहा तो आपको, हड्डी या अस्थि, ध्यान दीजिएगा इस पर, यह किसका बना होता है? तो यह जो है ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। एकदम ध्यान में रखिएगा बेटा, ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं। एकदम ध्यान में रखना, बार बार ये पूछेगा आपको, किसका बना होता है? ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं। चलिए, बने होते हैं। अब यहां एक दो चीज और है, कार्टिलेजेस है बच्चे, ये मुलायम अस्थि है, याद रखिएगा, मुलायम अस्थि, जैसे नाक, कान इत्यादि का जो मुलायम अस्थि होता है, ठीक है, सॉफ्ट बोन होता है, वो किसका बना होता है? तो उपास्थि के बने होते हैं। लिगामेंट, बच्चे आपको पता है, बोन बोन यानी अस्थि और अस्थि आपस में किसके जुड़ा जुड़े होते हैं? तो अस्थि और अस्थि आपस में, याद रखना बच्चे, ये जुड़े होते हैं लिगामेंट के द्वारा। किसके द्वारा? लिगामेंट्स के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। एकदम याद रखिएगा, लिगामेंट्स द्वारा जुड़े होते हैं, स्नायु द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। तो ये बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा और बहुत महत्वपूर्ण है बच्चे। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी गोलाकार दर्पण के परावर्तक सतह के व्यास को क्या कहा जाता है? तो अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, तो इसे हम क्या कहते हैं? तो बच्चे, परावर्तक सतह के व्यास को, परावर्तक सतह के व्यास को, तो बच्चे इसको कहते हैं एपर्चर छेद, एपर्चर कहते हैं। ये देखिए, ये है आपका अवतल दर्पण या कोई गोलीय दर्पण है, ये गोलीय दर्पण है, इसके परावर्तक सतह की लंबाई को या व्यास को हम क्या कहते हैं? तो एपर्चर, एपर्चर कहते हैं। ये देखिए, ये आपको क्या है आपका, ठीक है, आपको उत्तल दर्पण है, दिस इज कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर हो गया, कॉनकेव मिरर हो गया, और ये आपका कॉनवैक्स मिरर है, कॉनवैक्स मिरर है, कॉनवैक्स मिरर है, तो कॉनकेव मिरर और कॉनवैक्स मिरर है। तो ये कॉनवेक्स मिरर है, इसका जो परावर्तक सतह का जो व्यास है या आपको उसको हम क्या कहते हैं? तो एपर्चर कहते हैं, ठीक है। ये देखिए, एकदम याद रखिएगा, प्रिंसिपल एक्सिस किसको कहते हैं? तो अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण के, ठीक है, आपको ध्रुव से गुजरने वाली वह प्रकाश की किरण जो बिना परावर्तन के सीधे गुजर जाती है उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। अब देखिए, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण
के, ठीक है, के मध्य बिंदु को, परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को हम क्या कहेंगे? तो बच्चे ध्रुव कहते हैं। फोकस देखिए, तो बच्चे अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण में प्रकाश की किरण चली और क्या हुआ, परावर्तित हो गई, चली और परावर्तित हो गई, जिस बिंदु पर वह प्रधान अक्ष को काटती है उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? तो बच्चे फोकस कहते हैं। एकदम ध्यान में रखिएगा, फोकस कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहते हैं? तो फोकस कहते हैं, ध्यान में रखिएगा बेटा। अब फोकस कहते हैं, अगर हम बात करें अवतल दर्पण में, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? तो ऑलवेज नेगेटिव होगा, ध्यान में रखिएगा। उत्तल दर्पण की अगर फोकस दूरी की बात करें तो ऑलवेज एफ क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो ये ध्यान में आपको रखनी चाहिए। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो बच्चे नेगेटिव होगा। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो पॉजिटिव होगा। तो ये ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें तीन कोस और, ठीक है, आपको बाहरी कक्षा में आठ इलेक्ट्रॉन होता है। तो बच्चे देखिए, तीन कोस की बात कर रहा है, तीन कोस, तीन कोस का मतलब क्या है? तो बच्चे तीन कक्षा, तीन कक्षा, तीन कक्षा होती है, याद रखिएगा, तीन कक्षा, कक्षा होगा, क्या होगा? तीन कक्षा, तीन कक्षा होगा। और कौन कौन तीन कक्षा होगा? तो के एल और क्या होगा, एम होगा, इतना कक्षा होना चाहिए बच्चे, के एल एम कक्षा होनी चाहिए। और अगर हम उपकक्षा की बात करें, उपकक्षा की बात करें, तो उपकक्षा की बात अगर करें तो इसको बोलते हैं सब ऑर्बिट, सब ऑर्बिट कहा जाता है। और सब ऑर्बिट की बात जब भी करते हैं तो इसमें कौन कौन आएगा? तो एस, पी, डी और एफ आएगा। एस में महत्तम इलेक्ट्रॉन कितना? दो। पी में कितना? छः। डी में कितना? दस। एफ में कितना? चौदह होता है बच्चे। अब देखिए, अब कह रहा है कि तीन कोस और बाहरी कक्षा में आठ इलेक्ट्रॉन होता है, तो आठ इलेक्ट्रॉन होगा तो पक्का क्या होगा? अक्रिय गैस होगा। हम देख ले हैं, देखिए सल्फर, सल्फर का सोलह, तो बच्चे सोलह है तो पहली कक्षा में दो इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में आठ इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा में क्या होगा? छः इलेक्ट्रॉन होगा। चलिए दूसरा देखते हैं, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का तेरह है परमाणु संख्या बच्चे, तो एल्युमिनियम का तेरह, तो के में कितना? तो दो। एल में कितना? तो बच्चे ठीक है आठ। और एम में कितना? तो ये तीन होगा। ठीक है, अब देखिए फास्फोरस पर बात करते हैं, इसकी परमाणु संख्या पंद्रह है, तो के में कितना? तो के में दो। एल में कितना? तो आठ। और एम में कितना? तो बच्चे एम में हो गया, ध्यान में रखिएगा, इसमें पांच इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा। अब देखते हैं आर्गन का, तो आर्गन का के में कितना? दो। एल में कितना? आठ। एम में कितना? आठ। देखिए तीन कक्षा होगा और आठ इलेक्ट्रॉन तो आर्गन में होगा। बच्चे सल्फर जो है, सल्फर जो है यह सोलहवें वर्ग का तत्व है, सोलहवें वर्ग, और इस वर्ग को हम क्या कहते हैं बेटा? तो सोलहवें वर्ग को हम बोलते हैं चेल्कोजेंस, याद रखिएगा चेल्कोजेंस कहते हैं। और ये देखिए फॉस्फोरस, इसकी परमाणु संख्या पंद्रह, ये पंद्रहवें वर्ग का तत्व है, और बच्चे इसको बोलते हैं निक्टोजेंस, क्या बोलते हैं? निक्टोजेंस कहा जाता है, निक्टोजेंस कहा जाता है। अब आते हैं एल्युमिनियम पर, एल्युमिनियम याद रखिएगा कि यह तेरहवें वर्ग का तत्व है, तेरहवें वर्ग का तत्व होता है कौन? तो बच्चे एल्युमिनियम होता है, और एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क क्या होगा? बॉक्साइट होगा, क्या होगा? बॉक्साइट होगा। तो एकदम ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग इत्र बनाने के साथ साथ स्वाद के एजेंट के रूप में किया जाता है? बच्चे हम एस्टर, एस्टर याद रखिएगा, एस्टर जो होता है वो क्या होता है? CH3COOCH3 होता है, मान लीजिए ये क्या है? एस्टर है बच्चे। और इसी का प्रयोग हम लोग किसमें करते हैं? तो ध्यान में रखिएगा, इत्र बनाने में करते हैं। सुगंधित फलों को सुगंध कौन प्रदान करेगा? तो यही प्रदान करता है, फलों को सुगंध प्रदान करने का काम एस्टर ही करता है बच्चे, एस्टर ही करेगा, ध्यान में रखिएगा। फलों को फलों को सुगंध प्रदान करता है, सुगंध प्रदान करता है, एकदम ध्यान में रखे बेटा, सुगंध प्रदान करता है, कौन करता है भाई? प्रदान करता है, तो ये करता है आपको क्या बच्चे, याद रखना है, एस्टर, एस्टर और एस्टर करता है बच्चे, तो ये बात ध्यान में रखना है। मिथेनॉल, मिथेनॉल क्या होता है? तो CH3OH मिथेनॉल बोलते हैं, और इसको वुड स्पिरिट भी कहा जाता है, वुड स्पिरिट यानी लकड़ी अल्कोहल कहा जाता है, वुड स्पिरिट कहते हैं, स्पिरिट कहा जाता है बच्चे, स्पिरिट कहा जाता है। इथेनॉल, इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? C2H5OH होता है, और इसे इथाइल अल्कोहल कहते हैं, इथाइल अल्कोहल कहा जाता है, एकदम ध्यान में रखिएगा, इथाइल अल्कोहल कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। इथेनोइक अम्ल क्या होता है? तो एसिटिक एसिड को हम इथेनोइक एसिड कहते हैं, एसिटिक एसिड को, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो CH3COOH होता है, CH3COOH होता है, तो ये बातें याद रखिएगा, बार बार यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछा जाएगा।
नेक्स्ट देखते हैं, खाने का नमक NaCl, ठीक है, किससे बनता है बच्चे? तो खाने का नमक NaCl, NaCl को हम क्या कहते हैं? NaCl को उदासीन लबन कहते हैं, ध्यान में रखिएगा, उदासीन लबन कहते हैं। और ये कैसे बनता है बच्चे? तो प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल कौन हो गया? प्रबल अम्ल, तो बच्चे प्रबल अम्ल हो गया HCl, HCl और निर्बल क्षारक, ध्यान दीजिएगा, प्रबल क्षारक, प्रबल क्षारक, प्रबल क्षारक कौन हो गया? तो प्रबल क्षारक हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों आपस में मिल गया तो ये क्या बनेगा? तो बच्चे ये बन जाएगा NaCl और जल बनेगा, लबन और जल का निर्माण होता है, लबन और जल का निर्माण होता है, ध्यान में रखिएगा, लवण और क्या बनेगा? जल का निर्माण होगा। और इसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान में रखिएगा बेटा, क्या मैं कह रहा हूं कि ठीक है, अम्ल, अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करके, अम्ल प्लस क्षारक, ठीक है, क्या करके? तो अभिक्रिया करके, आपस में अभिक्रिया करके, आपस में अभिक्रिया कर लवण तथा जल बनाता है, अभिक्रिया कर लवण तथा जल बनाता है, एकदम ध्यान में रखिएगा, लवण तथा जल बनाता है, जल बनाता है, ध्यान में रखिएगा इसको, क्या बनाता है? तो लवण और जल बनाता है। तो एक मजबूत अम्ल और एक मजबूत क्षार मिलकर के क्या बनाएगा? तो उदासीन लवण का निर्माण करता है बेटा, एकदम ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्या है हमारा। तो एक फूल के प्रजनन का कौन सा भाग होता है? मैंने कई बार आपको बताया बच्चे कि फूल में, जब भी फूल की बात करते हैं तो फूल में आपको दो प्रकार के जनन अंग पाए जाते हैं। एक पाया जाता है कौन बच्चे? तो पुमंग, और दूसरा जयांग, याद रखिएगा। फूल में जनरली क्या होता है? तो दो मुख्य भाग होते हैं, एक होता है पुमंग और दूसरा क्या होता है? तो जयांग होता है, जयांग। बच्चे पुमंग जो है इसको एंड्रोसियम कहते हैं और यह आपको क्या है? नर जनन तंत्र है, नर जनन तंत्र होता है। और जयांग जो है ये क्या होगा? तो मादा जनन तंत्र है, मादा जनन तंत्र होता है, एकदम ध्यान में रखिएगा बच्चे। तो पुंकेसर और कार्पल्स, पुंकेसर और कार्पल्स आपको क्या है? तो एक फूल के प्रजनन का भाग है बच्चे, ठीक है, फूल के प्रजनन का भाग है। और याद रखिएगा, जब जब वर्तिका से, कहां से? जब वर्तिका से, वर्तिका से, वर्तिका से वर्तिकाग्र तक, वर्तिकाग्र तक, काग्र तक, ठीक है बच्चे, क्या आपको परागकण का प्रवाह होता है? परागकण संचरित होते हैं, परागकण संचरित होते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? संचरित होते हैं, तो याद रखिएगा, होते हैं तो इसे, ठीक है, परागण कहते हैं, परागण कहते हैं बच्चे, एकदम ध्यान में रखिएगा, क्या कहते हैं? तो परागण कहते हैं, पॉलिनेशन कहा जाता है, क्या कहते हैं? पॉलिनेशन कहते हैं। तो एकदम ध्यान में रखिएगा इस बात को, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहे हैं बच्चा लोग, एकदम ध्यान में रखिएगा। ये देखिए क्या कह रहा, मान लें कि एक काल्पनिक ग्रह, एक काल्पनिक ग्रह जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पृथ्वी के आधे के बराबर है। तो बच्चे पहले बच्चे आपको पता है गुरुत्वीय त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है? तो गुरुत्वीय त्वरण का फॉर्मूला जी बराबर होता है जी एम बाय आर स्क्वायर, जी एम अपॉन क्या? आर स्क्वायर होता है, ये ध्यान में रखिए। अब देखिए क्या कह रहा है कि द्रव्यमान जो है पृथ्वी के द्रव्यमान का आधा जी गुना एम बाय टू, और त्रिज्या भी आधा आर बटे टू का होल स्क्वायर। ये देखिए जी एम बटे आर स्क्वायर को बाहर निकाल लीजिए, बचा 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 क्या? ऊपर चला गया चार बटे चार, तो चार चार कट गया, कितना हुआ? तो चार बटे दो बचा ना, चार बटे दो ऊपर करिए दो हो गया, यानी टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, और जी एम बटे आर स्क्वायर को हम जी बोलते हैं, यानी टू जी हो जाएगा। तो देखिए आंसर क्या होगा, तो आपका डी नंबर होगा, क्या होगा? डी नंबर होगा, एकदम ध्यान में रखेगा बेटा, कुछ भी नहीं है। तो गुरुत्वीय त्वरण बार बार आपको क्वेश्चन पूछता है जी, ये गुरुत्वीय त्वरण है, और गुरुत्वीय त्वरण ध्यान में रखिएगा, गुरुत्वीय त्वरण जो है, ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है? तो बच्चे पृथ्वी से ऊपर जाने पर, कहां से? पृथ्वी से कहां जाने पर? ऊपर जाने पर घटता है, ऊपर जाने पर क्या होगा? जाने पर घटता है, याद रखिएगा, घटता है। और ठीक है, अंदर, पृथ्वी के अंदर जाने पर, पृथ्वी के अंदर जाने पर, अंदर जाने पर क्या होगा? तो बच्चे ये भी घटता है, ये भी क्या होगा? घटता है, पृथ्वी के अंदर जाने पर घटता है। और ठीक है, आपको
किस पर? तो ध्रुव पर महत्तम होता है, ध्रुव पर महत्तम होता है, एकदम याद रखिएगा बेटा, ध्रुव पर क्या होता है तो महत्तम होता है, मैक्सिमम होता है, ठीक है, इट इज मैक्सिमम एट पोल, एकदम याद रखना है, बार बार इस तरह का प्रश्न आपसे पूछेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा, कह रहा परमाणु संख्या डैश परमाणु संख्या वाला एक तत्व क्षारीय ऑक्साइड होता है, क्षारीय ऑक्साइड किसको बोलते हैं? तो बच्चे धातु के ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड क्या होंगे? तो धातु के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति का होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है, एकदम याद रखिएगा, क्षारीय प्रकृति का होता है, याद रखना बेटा, कैसा प्रकृति होगा? तो क्षारीय प्रकृति होगा, यानी द, ठीक है, द आपको मेटल ऑक्साइड आर ऑफ बेसिक नेचर, एकदम ध्यान में रखना बेटा, क्या बोल रहे हैं कि मेटल ऑक्साइड इज ऑफ, मेटल ऑक्साइड इज ऑफ क्या? तो बेसिक नेचर का होगा, बेसिक नेचर होगा। और बच्चे आपको धातु के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, तो धातु के अंतिम कक्षा में, अंतिम कक्षा में कितना होगा? तो अंतिम कक्षा में एक, ठीक है, दो या तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं, तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं, एकदम याद रखिएगा बच्चे इसको, तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहां देखिए क्या हुआ, आपको पता है छ है तो दो और चार है, तो चार किसका? कार्बन हो गया बच्चे, कार्बन के ऑक्साइड क्या होते हैं? अम्लीय होगा, यानी अधातु के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। चलिए ठीक है, बीस देखिए ये क्या हो गया, दो आठ, आठ और दो, बेटा ये कैल्शियम है और कैल्शियम के ऑक्साइड क्या होते हैं? क्षारीय प्रकृति का होगा, क्षारीय होगा। चलिए ये आंसर हो गया बच्चे, क्लोरीन सीएल, सीएल हो गया क्लोरीन, सत्रह है परमाणु संख्या, तो दो आठ सात, और क्लोरीन के ऑक्साइड याद रखना, क्लोरीन के ऑक्साइड इसकी प्रकृति कैसी होती है? तो ये अम्लीय होगा, कैसा होगा? अम्लीय होता है। चलिए ये देख लीजिए, सात किसका है? तो बच्चे ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, एन, ठीक है, NO2 या N2O, बच्चे ये उदासीन होता है, कैसा होता है? उदासीन ऑक्साइड होते हैं, उदासीन ऑक्साइड होते हैं, तो ये ध्यान में रखनी चाहिए, बार बार यहां पर प्रश्न आपसे पूछेगा। नेक्स्ट देखिए, मनुष्यों में अनैच्छिक क्रियाएं, ठीक है, जैसा कि रक्तदाब, लार और उल्टी को इस द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो बच्चे इसको नियंत्रित किसके द्वारा करेंगे? तो ध्यान में रखिएगा कि हमारा जो मेडुला है वह नियंत्रित करता है इसको, मेडुला नियंत्रित करता है बेटा, मेडुला नियंत्रित करेगा, यानी अनैच्छिक क्रियाओं को, रिफ्लेक्स एक्शन है, अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण, अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण, क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा होगा? तो बच्चे नियंत्रण जो है वह ध्यान में रखिएगा कि मेडुला द्वारा होता है, मेडुला द्वारा होता है, एकदम याद रखिएगा, द्वारा होता है, और बच्चे ये रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण करेगा। पोंस जो है यह क्या नियंत्रित करता है? तो श्वसन दर का नियंत्रण करता है, श्वसन दर का नियंत्रण करता है, पोंस श्वसन दर का नियंत्रण करता है, ध्यान में रखिएगा। स्पाइनल कॉर्ड जो है ये क्या होगा? तो ये भी आपको मेडुला इसी में होता है बच्चे, स्पाइनल कॉर्ड जो है बहुत सारी क्रियाओं का नियंत्रण करेगा। हाइपोथैलेमस बच्चे एकदम ध्यान में रखिएगा, ये जो है आपको, ठीक है, भूख प्यास, ठीक है, प्यार, ये सब नियंत्रित करेगा, भूख प्यास, उसके बाद क्या, ठीक है, रक्तदाब, या कहिए एक तरह से क्या ये, ठीक है, आपको भूख प्यास प्यार ये सब नियंत्रित करेगा, तो ये ध्यान में रखिएगा। हाइपोथैलेमस हो गया, हाइपोथैलेमस बच्चे, हाइपोथैलेमस को, ठीक है, मास्टर ऑफ द मास्टर भी कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। हाइपोथैलेमस आपको किसको नियंत्रित करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को। हाइपोथैलेमस को क्या कहते हैं? थैलेमस को हम क्या कहते हैं? मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड कहते हैं, मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड कहते हैं, एकदम याद रखिएगा, मास्टर ग्लैंड कहते हैं, ग्लैंड कहते हैं बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा। नाइट्रोजन के निम्न ऑक्साइड में किसको लाफिंग गैस कहा जाता है? तो बच्चे नाइट्रस ऑक्साइड को, ध्यान में रखिएगा, NO ये जो है आपको क्या है, तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है, ध्यान में रखिएगा बेटा, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड कहा जाता है इसको, कौन सा ऑक्साइड? तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड कहते हैं, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड कहा जाता है इसको, मोनोऑक्साइड कहते हैं, तो एकदम ध्यान में रखिएगा इसको, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। बच्चे N2O5 डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड होता है, और ठीक है, ये जो है नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड,
और बच्चे नाइट्रस ऑक्साइड, इसे ही लाफिंग गैस कहते हैं और इसका उपयोग ठीक एनेस्थेसिया में करते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस एनेस्थेसिया में प्रयोग करते हैं, एनेस्थेसिया में उपयोग किया जाता है, ध्यान में रखिएगा बेटा, एनेस्थेसिया में उपयोग करते हैं। किसमें करेंगे? एनेस्थेसिया में। नेक्स्ट देखिए, अवतल दर्पण का उपयोग, यह नहीं है बच्चे। अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग किसमें करते हैं? दर्पण के उपयोग सबसे इंपॉर्टेंट, पहला सोलर कुकर में, सोलर कुकर में ध्यान में रखिएगा, सोलर कुकर में। दूसरा क्या? सर्च लाइट में, सर्च लाइट में, सर्च लाइट में। फिर क्या बच्चे? टॉर्च में, टॉर्च में। फिर क्या बच्चे? यहां देखिए ठीक है, आपको परावर्तक टेलीस्कोप में, परावर्तक टेलीस्कोप में, परावर्तक टेलीस्कोप में, गाड़ी के हेडलाइट में, सेविंग मिरर में, सेविंग मिरर में, गाड़ी के हेडलाइट में, सेविंग मिरर में, मिरर में ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मिरर में और गाड़ी के हेडलाइट में, गाड़ी के हेडलाइट में इसका यूज करते हैं। तो ये देखिए ठीक है, टॉर्चों में एकदम सही है, सेविंग दर्पण में, हेडलाइट्स में, लेकिन रियर व्यू दर्पण में हम किसका यूज करते हैं? तो उत्तल दर्पण का यूज करते हैं, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। और उत्तल दर्पण क्या करता है? तो बच्चे बड़े क्षेत्र को, क्षेत्र को में किसी भी वस्तु के प्रतिबिंब को फोकस पर फोकसित कर देने का कार्य करता है, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक तत्व का परमाणु भार W और परमाणु संख्या N है, उस परमाणु के केंद्र में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? बच्चे परमाणु संख्या N है, तो जितना परमाणु संख्या है वही आपको प्रोटॉन की संख्या होगी। याद रखिएगा, नाभिक में उपस्थित, नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या को, ध्यान रखिएगा बेटा, उपस्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या को, कुल प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, यही क्या कहलाता है? तो संख्या ही परमाणु संख्या कहलाएगा, परमाणु संख्या कहलाएगा। तो देखिए बेटा क्या होगा, तो यहाँ कुल प्रोटोनों की संख्या n है, तो यही आपको होगा क्या, आपका आंसर हो जाएगा। बच्चे W माइनस n को न्यूट्रॉन की संख्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, W माइनस n क्या होगा? तो न्यूट्रॉन की संख्या होता है। बच्चे परमाणु में आपको नाभिक में क्या होगा? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होगा, परमाणु के नाभिक में, ध्यान में रखिएगा, परमाणु के नाभिक में, परमाणु के नाभिक में क्या होगा? तो नाभिक में, नाभिक में क्या क्या होता है? तो नाभिक में न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन होता है। नाभिक में क्या होगा? तो परमाणु के नाभिक में क्या आपको पाया जाता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाया जाता है, ठीक है। जबकि इलेक्ट्रॉन वाह्य कक्षा में, इलेक्ट्रॉन वाह्य कक्षा में चक्कर लगाता है, कक्षा में चक्कर लगाता है, ये ध्यान में रखिएगा, चक्कर लगाता है, बहुत अच्छी बात है। आगे देखते हैं, कह रहा है किसी विद्युत चालक के किसी भी क्रॉस सेक्शन से 2 कूलम का आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित होता है, करंट कितना होगा? तो विद्युत धारा क्या होता बेटा? तो विद्युत धारा I बराबर होता है, विद्युत धारा I बराबर होता है Q/T, आवेश प्रवाह की दर, आवेश प्रवाह की दर, आवेश प्रवाह की दर होती है, एकदम ध्यान में रखिएगा दर। और आवेश कितना है? तो 2 कूलम्ब है बटे 1 सेकेंड, यानी 2 एम्पियर हो गया, 2 एम्पियर विद्युत धारा होगा। तो आंसर क्या होगा? आपका सी नंबर होगा, 2 एम्पियर विद्युत धारा होगी, 2 एम्पियर विद्युत धारा होगी, एकदम याद रखिएगा ठीक है। विद्युत धारा, विद्युत धारा के प्रवाह की दर को बोलते, आवेश के प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या हुआ बेटा? तो एसआई मात्रक एकदम ध्यान में रखना है, एसआई मात्रक क्या होगा? तो एसआई मात्रक ऑलवेज आपका एम्पियर होगा, क्या होगा? एम्पियर होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चलो आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर का पीएच मान, पीएच स्तर क्या होता है? देखिए मनुष्य के शरीर का पीएच मान 7 से 7.8 परास के बीच कार्य करता है। बच्चे आपको पता है कि मानव शरीर में, अगर मानव शरीर का पीएच मान, शरीर का पीएच मान, पीएच मान अगर क्या होगा तो बढ़ जाता है, तो पीएच मान अगर बढ़ जाएगा तो क्षारीय होगा, दोनों आपको कम है, कम हो जाएगा तो अम्लीय होगा, तो अम्लीय होगा। दोनों अवस्था में शरीर के अंग कार्य करना बंद कर देते हैं, याद रखिएगा, शरीर का अंग, शरीर का अंग, शरीर का अंग कार्य करना बंद कर देता है, एकदम याद रखिए बच्चे, अंग कार्य नहीं करता है, कार्य नहीं करता है, नहीं करता है, कौन? तो शरीर के जो अंग है वो कार्य नहीं करेगा, ठीक है। रक्त का पीएच मान कितना होगा? तो रक्त का पीएच मान
पीएच मान, ठीक है, कितना होता है तो 7.4 होता है, 7.4 होगा, 7.4 होता है, रक्त का पीएच मान कितना होगा 7.4। फिर देखिए, ठीक है, यदि यदि आपको, ठीक है, जल का मुंह का पीएच मान, मुंह का पीएच पीएच कितना तो 5.5 से कम हो जाए, 5.5 से कम तो क्या होगा, कम तो क्या होगा, आपको दांतों का क्षरण प्रारंभ हो जाता है, दांतों का क्षरण होने लगता है, क्षरण होने लगता है, एकदम ध्यान में रखिए बेटा, क्षरण होने लगता है, दांत आपको झड़झड़ के गिरने लगेगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, कह रहा विद्युत प्रवाह की अंतरराष्ट्रीय मानक इकाई क्या होती है तो एम्पियर है, और माइक्रो एम्पियर क्या होता है 10^-6 एम्पियर, ठीक है, एम्पियर, और मिली एम्पियर क्या होता है तो 10^-3 एम्पियर आपको मिली एम्पियर होता है। वोल्ट क्या होता है तो बच्चे वोल्ट जो है आपको पता है वोल्ट बराबर क्या होगा जूल पर कूलम्ब होता है, जूल पर कूलम्ब होता है, तो इसको बोलते हैं वोल्ट बच्चे, जूल पर कूलम्ब को हम वोल्ट कहते हैं, तो एकदम ध्यान में रखिएगा इन सब चीजों को, जूल पर कूलम्ब को हम क्या कहते हैं वोल्ट कहते हैं, तो याद रखिए बेटा माइक्रो एम्पियर 10^-6 एम्पियर, और आपका विद्युत धारा की प्रवाह की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई क्या हो गया तो एम्पियर हो गया, और एक एम्पियर बराबर क्या होता है तो एक एम्पियर बराबर होता है एक कूलम्ब पर सेकेंड होगा, एक कूलम्ब पर सेकेंड होगा, एकदम याद रखिए बेटा एक कूलम्ब पर सेकेंड होता है और इसी को एम्पियर कहते हैं। चलिए, न्यूलेट्स के आवर्त वर्गीकरण के का दसवां तत्व निम्नलिखित में से किसके जैसा दिखता है तो दसवां तत्व बोल रहा है बच्चे, तो आपको पता है न्यूलेट के आवर्त वर्गीकरण में दसवां तत्व निम्नलिखित में से किसके जैसा दिखता है, तो यहां देखिए न्यूलेट के आवर्त सारणी को हम लिख रहे हैं लिथियम, ठीक है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। बच्चे ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, अब देखिए आठवां तत्व जो है वह पहले तत्व के समान है, ठीक है, फ्लोरीन हो गया, नियोन उस समय खोजा नहीं गया था, तो यहां लिख लीजिए कौन, सोडियम, उसके बाद आ जाएगा कौन, तो बच्चे पोटेशियम, सोडियम के बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद एल्युमिनियम, तो ये आठवां नंबर का तत्व है, ये नवां नंबर का तत्व है और ये दसवें नंबर का तत्व है, तो दसवें नंबर का तत्व किसके समान है तो बच्चे तीसरे नंबर के समान है, दसवें नंबर का तत्व किसके समान है तो तीसरे नंबर के समान होगा, यानी तीसरा तत्व के समान होगा। बच्चे न्यूलैंड ने कितने तत्वों को आवर्त सारणी में लगाया तो न्यूलैंड ने 56 तत्वों को आवर्त सारणी में वर्गीकृत किया, 56 तत्वों को व्यवस्थित किया, 56 तत्वों को व्यवस्थित किया, एक बात व्यवस्थित किया पहली बात, दूसरी बात क्या कि न्यूलैंड ने, ठीक है बच्चे, न्यूलैंड ने क्या किया तो न्यूलैंड ने, ठीक है, न्यूलैंड के आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन है, पहला तत्व है बच्चे लिथियम, ठीक है, पहला तत्व है हाइड्रोजन, और अंतिम तत्व क्या है तो अंतिम तत्व ध्यान में रखिएगा अंतिम तत्व कौन होगा तो थोरियम होगा, अंतिम तत्व कौन है तो थोरियम है, तो न्यूलैंड के आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन, हाइड्रोजन, और अंतिम तत्व क्या है तो बच्चे थोरियम होता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है, कह रहा डैश अनुवांशिक सामग्री के वाहक होते हैं तो बच्चे जीन जो है अनुवांशिक सामग्री का वाहक होता है, जीन, जीन क्या है तो जीन आपको, ठीक है, आपको अनुवांशिक गुणों का, अनुवांशिक गुणों का वाहक है, अनुवांशिक गुणों का वाहक है, गुणों का वाहक है, जो वाहक है जो क्या करता है तो जो, ठीक है, आपको सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करता है बच्चे, तो एकदम ध्यान में रखिएगा में ले जाता है, यानी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाने का काम करता है। जिन कोडोन है, जिन क्या है, जिन कोडोन है बच्चे, जिन कोडोन है, और ये किसका कोडोन है तो नाइट्रोजन बेसिस का, नाइट्रोजन क्षारक का बच्चे, ATGC का कोडोन होता है, कौन तो जीन होता है, तो ये बातें याद रखिए, बार बार इस पर प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। बच्चे अनुवांशिकी के जनक किसको कहते हैं तो अनुवांशिकी के जनक, ठीक है, आपको ग्रिगोर जॉन मेंडल को, अनुवांशिकी का जनक कौन होगा तो अनुवांशिकी का जनक है, ध्यान में रखिएगा, मेंडल साहब है, मेंडल महोदय है, मेंडल जो है अनुवांशिकी के क्या है,
जनक है, होते हैं बच्चे, जनक हैं कौन, तो मेंडल, मेंडल आपको अनुवांशिकी के जनक हैं। तो ये बार बार इस तरह का प्रश्न आपसे पूछेगा। युग्मक, युग्मक मतलब क्या हुआ, जायगोट हो गया बच्चे, जायगोट हो गया। और जायगोट कैसे बनता है, तो जायगोट जो है आपको पता है स्पर्म और ओभा जब आपस में मिलता है, ओभा आपस में मिलेगा तो जायगोट का निर्माण करता है। किसका निर्माण करेगा, जायगोट का निर्माण करेगा। तो अच्छी बात है बच्चे, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद जय भारत। चलिए सभी लोगों का वेलकम है, आ जाइए। सेट नंबर कितना है, सेट नंबर 16 में सभी लोग रेडी हैं, शुरू किया जाए। ओके, पहला का था एक ठोस घन की भुजा की लंबाई 7 सेंटीमीटर, इनमें से एक 7 सेंटीमीटर ऊंची और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक शंकुआकार आकृति काटकर निकाली जाती है, शेष बचे हुए ठोस का आयतन। ये घन की भुजा है, घन का आयतन क्या होता है, 22/7 गुना 7 गुना 7 गुना 7, ये हो गया घन का आयतन। शेष कहता है तो शंकु हमको निकालना पड़ेगा, 1/3 गुना 22/7 आर स्क्वायर ऊंची 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, पाए आर स्क्वायर और एच 7, बस इतना काट के निकाल देना है, बस हो गया काम। चलिए काट दीजिए जो जो कटता है, ये 7/7 तो गया, ये 7/7 गया, 3/3 गया, 7/7 49 से गुना कर दो, 9/2 18, 9/4 36, 18/54 155, 4/2 8 5 13 आ माइनस हो गया 22/3 66, सब कुछ ठीक है ना, पाए आर, अच्छा आर क्यूब न होता इसका, 22/7 थोड़े घन का आयतन आर क्यूब न होगा, ये तो हम बेलन कर दिए क्या, आर क्यूब 7/7 49/7 343 माइनस 7/7 कट गया, 3/3 कट गया, 22/3 66 घट जाएगा, 13/6 7 यहाँ बच गया, 3/13/6 7 यहाँ बच गया, 277 घन सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर हो गया। सिंपल है, घन का आयतन माइनस शंकु का आयतन। अगला सवाल, ये तो फिजिक्स का सवाल हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री का। अगला कहता साथी ने एक बैंक में इतना रुपया जमा किए जिसके 8% साधारण ब्याज का वादा किया था, यदि साथी बैंक में 5 साल का पैसा रखती है तो उस पर कितना ब्याज अर्जित करेगा, 8/5 40%, 40% ऑफ किसका, 825 का गुना कर दो, 4/4 5 20 जीरो हट गया, 4/2 8 2 10 8/6 32 1/33 330 रुपया उत्तर हो जाएगा। मूलधन का 40% निकाल देना है, काम खत्म। कहता इतना का लॉस क्या होगा, आसान सवाल, लॉस है तो 24 से शुरू करिए, 15 में 5 है तो 5 दे दीजिए, 3 है ही, 18 में 2 गो 3 है, 1 गो 3 यहाँ हो गया, 5 3 15 6 60 20 36 कितना हो गया, 360 आपका एलसीएम हो गया, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल कहता एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है, 6 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु का 5 गुना थी, 5 गुना था पिता पुत्र का, कब का मामला है ये, 6 वर्ष पहले का, और ये जो योग दिया हुआ है वर्तमान का दिया हुआ है तो उसको 6 वर्ष पूर्व ले जाना है, तो पहले तो 5 1 6 का जो वैल्यू हो जाएगा वो 60 में से दोनों का 6 6 वर्ष घट जाएगा तब ना पूर्व जाएगा, क्योंकि योग को हमको अनुपात के पास ले जाना है, तो ये हो गया 48, तो 1 का वैल्यू कितना हो गया 8। क्वेश्चन पूछता है 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु, तो वर्तमान में पुत्र का आयु कितना है, 8 है, सॉरी 8 है, ये कब का मामला है, 6 वर्ष पहले, आ जाना है कितना, 6 वर्ष बाद, तो 12 जोड़ देंगे, 12 8 20 हो गया, ये हो गया 6 वर्ष बाद का उम्र, 6 वर्ष बाद, क्योंकि 6 6 ये 6 वर्ष पूर्व है, आ 6 वर्ष बाद जाना है तो 12 जोड़ना पड़ेगा, 20 वर्ष आपका उत्तर हो गया, ऑप्शन नंबर ए। अगला आई कहता इतना कि माध्यिका ज्ञात करें, माध्यिका क्या होता है, बीच वाला, 2 2 4 2 6 गो है, टर्म बराबर 6 गो है तो 2 इधर 2 इधर, तो माध्यिका क्या हो जाएगा, 3/4/2, 3/4/2 आरोही या अवरोही में सजाने के बाद, तो चलिए छोटा से बड़ा की ओर सजाते हैं, 1 2 तो 2 ले लेंगे और 3 ले लेंगे और तो कुछ नहीं, 5 7 उधर बच गया तो ये क्या हो जाएगा, 2/3/2 यानी 2.5 हो जाएगा, 2.5 उत्तर हो गया आपका क्या, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में कौन सी 1 से 20 तक अंकों की अभाज्य संख्या का श्रृंखला है, 1 से 20 तक, 1 से 20 तक में कौन है, 2 है 3 है 5 है 7 है 11 है 13 है 17 है 19 है, यही है, 2 3 5 7
2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी अभाज्य संख्या। एक संख्या को इतना के अनुपात में विभाजित किया जाता है जब प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा जाता है इतना हो जाता है। दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन सी है? 3 से कटना चाहिए, सब कट रहा है। 3, 2 हो जाता है 7, 5 और प्रत्येक में 8 जोड़ा जाता है। तो इसी सवाल को हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस रूल से बना दीजिए, सवाल आसान हो गया। कैसे करते हैं तो ये जो चेंजिंग होगा वो नीचे में लिखना है बस। 5, 3, 15, 7, 2, 14 दोनों का अंतर निकालना है। कितना होगा 14, 15 का 1, 8, 7, 56, 8, 5, 40 40 और 56 का अंतर कितना 16। तो 1 का वैल्यू हो गया 16, 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा बड़ी संख्या 48, बड़ी संख्या कितना हो जाएगा 48, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऐसे सवाल को इसी विधि से करना है आसानी से। कक्षा में 12 लड़कों का एक किसी कक्षा में औसत स्कोर 16 जबकि सभी 30 का कुल औसत इतना, तो लड़कियों का औसत, कक्षा के 12 लड़कों का किसी परीक्षा में औसत इतना है जबकि कक्षा के सभी 30 विद्यार्थी का इतना है और लड़कियों का औसत क्या होगा? 12 लड़का तो 18 लड़की, बॉय गर्ल काट दो, 6 × 2 = 12, 6 × 3 = 18 टोटल का एगो हो गया 3, 2 = 5 गो। 12 लड़का का दिया हुआ है 16, सभी का दिया हुआ है 18.1, तो लड़की का कितना होगा? डायरेक्ट एवरेज रूल लगा दो या गुना कर दो, 16 × 32 प्लस 3 × x 3x बराबर, इसको गुना करेंगे 90.5 है, एक्स का मान निकालेंगे तो 32 जाके घट जाएगा 90 में 68, तो 68.5 बटे 3, इसको काट दीजिए 8, 5, 13, 5, 6, 8, 6, 14, 5, 19 नहीं कट रहा है, लगभग लगभग भागा दीजिए, 3 से दीजिएगा कितना 20, 21, 22 और कितना बच गया 2 पॉइंट दे दिए 25, 3, 8 22.8 आ रहा है, नहीं है, कहीं देखो कुछ मिसिंग है। 12 लड़का 30 गो है तो 18 गो लड़की होगा, तब 18, 12, 30 ठीक है, उसका 16 है, 3 लड़का का नहीं पता है और सभी का 18.1 था, लड़कियों का औसत स्कोर क्या होगा? 16 × 32 प्लस 3x बराबर 18.95 और 5, 90 में से 32 गया तो 68 × 2 = 70, अच्छा 68 नहीं 58, यहाँ कितना होगा 58, 58.5 बटे 3, 3 से भागा दीजिएगा, 3 से कट गया 20 नहीं 19 और बच गया 19 × 57, 3 × 5 = 15, 19.5, 19.5 ऑप्शन नंबर डी, 68 नहीं 58.5 बचा। अगला सवाल कहता है इतना को यदि इतना से विभाजित किया जाता है तो इतना शेष, और इतना को यदि इतना से विभाजित किया जाता है 24 शेष ए प्लस बी का मान, जिससे भाग देना है उससे एक्स का मान निकाल लीजिए उसमें रख देना है, इसमें भी एक्स का मान कितना आ जाएगा 3, इसमें रख देना है, इसको इसमें रखिए तो 9 + 3a और प्लस बी बराबर शेष कितना है 22, इसमें भी रखिए 3, 3 × 9 + 3b और प्लस ए बराबर 24, जोड़ देना है ये प्लस बी निकल जाएगा तो कितना हो जाएगा 18, ये देखिए 4a 4b तो 4 × a + b और इधर भी जोड़ देंगे 4 = 46, तो ए प्लस बी बराबर कितना हो गया 46 घटाएंगे तो कितना बचेगा 28, 8 = 36, 28 / 4 यानी कितना 7 बचेगा, 7 उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला आइए कथा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है? 997 तो देखने से ही है, 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होती है, 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, चेक ही नहीं करना है, बड़ी अभाज्य संख्या होती है 997। और यहाँ कहता कौन अभाज्य है तो वही दिखाई दे दिया, उसी में दे देंगे, वैसे नहीं तो भाग दे दे करके देखना पड़ेगा कौन कटता है नहीं कटता है, समझ गए, सबसे भाग दे दे करके चेक करना पड़ेगा, खाली प्राइम नंबर से भाग देना है, यह देखने से ही पता है 997 एक प्राइम नंबर है, 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होती है, तो चेक करने की कहीं जरूरत नहीं है। ठीक है, नहीं तो देखना है किसके बर के नजदीक में है, उसे छोटी सभी प्राइम नंबर से चेक करना पड़ेगा और कुछ नहीं। कहता इतना का वर्गमूल 4096, 64 का स्क्वायर होता है 4096, देखिए ये सब तो छोटा छोटा चीज याद ही रहना चाहिए। अगला आई
इसमें देखिए वेतन खाद्य चिकित्सा टैक्स सब दिया हुआ है साल दर साल। अब कहता है क्वेश्चन क्या कहता है, दौरान प्रतिवर्ष औसत खर्च कितना था 2001 से 16 की अवधि के दौरान प्रतिवर्ष औसत खर्च कितना था निकटतम पूर्णांक, प्रतिवर्ष औसत खर्च। अब देखिए तो खर्च जो है टोटल व्यय के मंद वेतन पर है, खाद्य पर है, चिकित्सा पर है, टैक्स पर है। अब ये जो करेंगे प्रतिवर्ष तो क्या करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है, ये टोटल खर्च है, टोटल खर्च इन सभी को जोड़ना पड़ेगा। जोड़ करके जो आएगा उसमें 1 2 3 4 5 6 6 से भागा देना पड़ेगा, यही उत्तर हो। सभी जो है वो खर्च है, सभी को जोड़ के 6 से भागा दे देंगे उत्तर आ जाएगा। ठीक है, जोड़ते रहना, घर पे बैठिए करते रहना। अगला सवाल, एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन जिसके आधार की त्रिज्या इसकी ऊंचाई से आधी है, एक गोलार्ध। अब देखो यहाँ फिर गोलार्ध दिया हुआ, गोलार्ध ये हिंदी वर्ड कभी नहीं देखना है, हिंदी में गोलार्ध का मतलब होता है अर्ध गोला, इंग्लिश देखना है ये स्पेयर है या हेमी स्पेयर है, ये देखना। अभी गोलार्ध है तो हम अर्धगोला लेकर के चेक करेंगे। शंकु का आयतन अर्धगोला के बराबर है, शंकु का आयतन क्या होगा 1/3 पाए आर स्क्वायर, इसका ऊंचाई त्रिज्या के बराबर है, R1 लगा देते हैं और अर्धगोला का 2/3 पाए R2 का क्यूब। अब काट देंगे, पाए पाए गया और 3/3 गया, R1 क्यूब / R2 क्यूब बराबर ये हो गया 2, अब बटे कुछ क्या बचा 1, तो R1 / R2 जो हो जाएगा ये क्यूबिक रूट निकल जाएगा, क्यूबिक रूट 2 अनुपात 1 हो जाएगा, तो क्यूबिक रूट 2 अनुपात 1 है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला सवाल कहता हुआ कौन सी भिन्न है जब इसे इतना से घटाया जाता है तो मान इतना, इतना माइनस एक्स बराबर इतना, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 1/2 और -2/3, 3 में से 4 गया, -1/6 -1/6 होगा। अगला सवाल, कौशिक ने एक खिलौना इतना में खरीदा और इसे इतना में बेच दिया, कितना प्रतिशत लाभ। देखो कितना आसान है, 20 रुपया का लाभ हुआ 160 पर गुना 100, 100/8 को लिखते हैं 12.5%, 12.5% उत्तर हो गया लाभ हुआ। एक गेंद ऊपर की ओर फेंकी जाती है 80 मीटर की ऊंचाई तक ऊपर जाती है और अपने मूल स्थिति में लौट आती है, 7 सेकंड के बाद इसकी विस्थापन का परिमाण ज्ञात करें। फिर कहता है विस्थापन, ये तो अब फिर आपको लगाना पड़ेगा S/UT + ½AT² ये सब जो फॉर्मूला होता है V² + U² + 2S, इसमें प्लस उसमें माइनस होता है देख लेना एक बार, और V = U + AT, ये सब फार्मूला अभी लगा करके निकालना पड़ेगा विस्थापन है कि नहीं, अपना देखते रहना है इसको जो फिजिक्स में पढ़े होइएगा आप लोग। ययाति ने एक वस्तु 13% हानि पर बेच दी, यदि उसने इसे 49 रुपया अधिक में बेचा होता तो 22% का लाभ होता, 13% हानि से 22% का लाभ होने के लिए कितना अधिक में बेचना पड़ता 49, तो 13% हानि से 22% लाभ, चेंजिंग कितना हुआ -13 से +22 35% चेंज हुआ, चेंज कितना हुआ 35%, इसका वैल्यू दिया हुआ 49 रुपया। अब कहता विक्रय मूल्य ज्ञात करें जब 30% लाभ पर बेचा जाए तो 130% निकालेंगे, तो 49/35 अगुना 130 5 7 से 7 से 5 बार में 7 से 7 बार में 5 से 26 बार में 7 6 42 14 4 18 182 रुपया में बेचना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल आइए, एक मिनी वैन उसी दिशा में जा रही जिस दिशा में इतना किलोमीटर प्रति घंटा और 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 2 व्यक्ति जा रहे हैं, वैन क्रमशः इतना इतना सेकंड में पार कर लेती है, तो मिनी वैन की लंबाई सेम डायरेक्शन में जा रहा है, एक गाड़ी जा रहा है उसके आगे 2 मोटरसाइकिल है सेम डायरेक्शन में, तो चाल घटेगा, लंबाई का काम क्या करेगा वो मिनी वैन जो है उसका लंबाई, तो लंबाई तो कॉन्स्टेंट रहेगा, चाल कॉन्स्टेंट रहता है, अगर लंबाई को दूरी कॉन्स्टेंट रहता तो चाल का उल्टा समय होता, चाल घटेगा, तो एक हो जाएगा V - 4.8, एक हो जाएगा V - 6 और दूरी बटे चाल बराबर दूरी बटे समय, लेकिन समय का जो उल्टा होगा, उल्टा होगा तो पहले ये तब ये होगा T2/T1 हो जाएगा, जब दूरी कॉन्स्टेंट रहे, दूरी हो गया कॉन्स्टेंट
क्यों हो गया कांस्टेंट? क्योंकि यहाँ जो है ये मिनी बेन की जो लंबाई होगा ना वही दूरी होगा, तो दूरी कांस्टेंट तो चाल का उल्टा समय, बस दो बार में तो टू भी ये भी उधर जाके भी हो गया, ये हो गया 4.8 माइनस में 6 × 12 आके जुट जाएगा, तो भी बराबर क्या हो गया 7.2 हो गया। इतना किलोमीटर बराबर मिनी वैन की लंबाई, इतना किलोमीटर बराबर ये हो गया चाल। लंबाई कैसे निकालेंगे? अगर ये चाल लेंगे, अगर ये चाल लें, ये चाल ले तो ये समय लेंगे, और ये चाल लेंगे तो ये समय लेंगे, तो दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुना समय। तो चाल कौन ले, ये अगर लेते हैं भी माइनस छः, यानी 7.2 − 6 किलोमीटर बराबर है, 5/18 से गुना कर देते हैं मीटर पर सेकेंड, आ इस स्थिति में 9 सेकेंड लगता है, 9 से 2 आइए हो गया 1.2 को काटेंगे, 1.2 को 0.6 गुना करेंगे, कितना लंबाई हो जाएगा 3 मीटर का मिनी वैन है। मिनी वैन की लंबाई क्या है? 3 मीटर का है मिनी वैन की लंबाई, ठीक है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखिएगा टाइम एंड डिस्टेंस में। तो बस चाल को घटाना है, समय को उल्टा कर देना है। चाल निकल गया, दूरी निकालने के लिए ये चाल लेंगे तो ये समय, और ये चाल लेंगे तो ये समय, बस इतना ध्यान रखना, क्योंकि इस चाल का समय ये है, चाल का अनुपात का उल्टा लिखना है हमको समय, इसलिए उल्टा लिखे हैं हम। अगला आइए, कहता है एन के कितने धनात्मक पूर्णांक के लिए इतना माइनस इतना एक अभाज्य संख्या, एन के कितने धनात्मक पूर्णांक, ये तो रख करके देखना पड़ेगा। एन बराबर अगर हम 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 − 8 और +20 और −13, तो 20 + 1 = 21, 13 + 8 = 21, तो ये तो हुआ नहीं, माइनस में चले गया ना, 21 = 0 हो गया, ये तो होगा नहीं, तो एन बराबर क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 32 + 40 और −13, तो ये हो गया कितना 40 + 8 = 48 और 32 + 13 = 35, 32 + 13 = 45, तो 3 हुआ, एन बराबर 2 लिए तो हुआ। तो यहाँ तो कहता है एन के कितने मान के लिए, तो एन बराबर 3 भी रख करके देखो, 3 × 9 = 27 − 9 = 72 + 20 = 60 और −13, तो 60 = 87 हो गया, 72 × 13 = 85 हो गया, ये भी 3 आया, तब वो अभाज्य संख्या होता है, तब वो 3 आता है अभाज्य संख्या, तो 3 पर भी हो जाएगा, 3 पर भी हो गया 9 × 8 = 72 = 27, तो 60 ये हो गया 87 और 72 × 13 = 85, 85 = 87, तो ये 2 ना आया, 85 = 87 ये भी सही हो गया। एन बराबर 4 रख करके देखो, ये तो बहुत चेक करना पड़ेगा, 64 + 4 = 16 = 128 + 80 और −13, ये हो गया 800 = 144 और माइनस ये हो गया 141, तो ये भी निकला 3, ये भी सही है। तो ये मान तो 2-3-4 को आ रहा है, क्या मान जो है, अब इसको चेक करते करते तो हालत खराब हो जाएगा, कितना को चेक करेगा, एन बराबर 4 रखे हैं, एन बराबर 5 भी एक बार रख के देखिए लेते हैं, 5 रखते हैं 125 हो जाएगा, 25 × 8 = 200 हो जाएगा, +20 × 5 = 100 हो जाएगा और −13, तो ये हो गया 225 और −213, तो 12 बच गया, ये तो नहीं होगा, नहीं हुआ, चलो जहाँ नहीं हुआ वहाँ छोड़ दो। तो कै गो एन बराबर सेट किया, एन बराबर 2 सेट किया, एन बराबर 3 सेट किया, एन बराबर 4 सेट किया, 1, 2, 3 कै गो हुआ एन का मान, तो 3 गो आया, 3 गो है ऑप्शन में, है टिक लगा दो, आगे बढ़ना है। अब ज़्यादा कितना चेकिंग करना, जहाँ नहीं हुआ वहाँ से छोड़ देना है। यदि समीकरण इतना के 2 असमान और वास्तविक मूल हो तो के का मान ज्ञात करें, 2 असमान और वास्तविक, 2 असमान और वास्तविक की स्थिति में क्या होता है, d > 0, d > 0 मतलब b² − 4ac > 0, b² की जगह क्या होगा, k² − 4ac, ए कितना है 1, सी कितना इतना > 0, k × k − 4 > 0, तो के का मान क्या सब आएगा 0 और 4, ऐसे करके लिख देना है, 0 और 4 लिख देंगे, 4 क्लियर। अब कहता है देखो के का कोफिशियंट, ऐसे सवाल को कैसे बनाना है, के का जो कोफिशियंट है ये क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो आपको यहाँ से +−+ लिख देना है, +−+, हमको क्या चाहिए, k > 0, तो > 0 कौन है, ये है भाग और ये है भाग, मतलब के का जो मान होगा 0 से छोटा होगा
और के का मान जो है चार से बड़ा होगा। जीरो से छोटा और चार से बड़ा, ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ये सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट है। अगला, 10 आदमी एक समूह के किसी दीवार को 12 दिन में बनाता है, 6 आदमी जिनमें से प्रत्येक पहले समूह के लोगों के आधा सक्षम है, इस दीवार के 3/5 हिस्से को कितने दिन में बनाएंगे? 10 आदमी 12 दिन में किसी कार्य को बनाता है, 6 आदमी जिसमें कि प्रत्येक पहले समूह के आधा सक्षम है, तो आधा कर दो, ये जो कहता 3/5 हिस्से को कितने दिन में बनाएगा, तो मान लेते हैं एक्स दिन में कितना हिस्सा? 3/5 हिस्सा, बस काट कूट के बराबर कर देना और कुछ नहीं। 3 से 2 बार में 2 खत्म, इधर हो गया 5 ऊपर जाएगा, ऊपर से इसको काट देंगे 24, तो एक्स बराबर कै दिन लगेगा? 24 दिन लगेगा, 24 में टिक लगा देंगे, ऑप्शन नंबर सी। अगला आइए, ग्राफ से 2009 में भारत में रंग के अनुसार बाइकों की बिक्री दिया गया। सवाल क्या पूछ रहा है? सवाल है, यदि वर्ष 2009 में बेची गई बाइक्स की कुल संख्या 50,000, 2009 में ये टोटल है, तो कहता है इतना है, तो कहता तो पीली एवं लाल बाइक की बिक्री की तुलना में सफ़ेद बाइक की बिक्री की संख्या कितनी कम है? पीला लाल और सफ़ेद, ये तो वाइट हो गया, ये रेड हो गया, येलो ये हुआ, इस दोनों में अंतर, ये कितना हो गया? 20, 10, 30, और सफ़ेद से कितना अधिक है? तो 5% अधिक है, तो इसका 5% निकाल दीजिए, हो गया इसका 5% कितना होगा? 5,000 का आधा यानी 2500 में टिक लगा देंगे, ऑप्शन नंबर बी। अगला आइए, कहता इसका मान क्या होगा? देखिए तो ये घट जाएगा, तो 10 बचेगा, आ 70, 10, 80 हो गया, 270 में 80 जाएगा, 9, 8, 17 190 बचेगा, और 510 में 190, अगर 200 जाता तो बचता कितना? 200 जाता तो बचता कितना? 310, तो 320 बचेगा, 320 बचा, 2550 में 3 यानी 2230 बचेगा, 2230 में टिक लगा दीजिए, आसान सवाल था, आज का सेट आपका समाप्त हो गया। आसान सवाल सब 3-4 सवाल बहुत अच्छा था, सेट नंबर 16 आपका एंड है, कल मिलेंगे आप लोगों को सेट नंबर 17 में।